खड़ा। एक गांव में एक मजदूर अपने पत्नी के साथ रहता था। वो दूसरों के खेत में काम करके जो भी मजदूरी मिलती थी उससे अपना गुजारा करता था। एक दिन वो खेत में काम कर रहे थे। इस साल काफी अच्छी फसल हुई है। इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज देखकर मालिक बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, और हमें इनाम भी देंगे। चलो जल्दी स्ट्रॉबेरी निकाल के अपना काम पूरा करते हैं। मालिक आते ही होंगे। दोनों दोबारा काम करने लगते हैं। उतने में ही वहाँ एक चूहा आता है। वो स्ट्रॉबेरीज देख खुश हो जाता है और स्ट्रॉबेरीज खाने लगता है। ए चूहे, क्या कर रहे हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। फिर आ गए, तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुक रुक, तुम मेरी स्ट्रॉबेरीज खाएगा। रुक रुक, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक, भाग मत। रुक रुक रुक, भागते कहाँ है? रुक। उस चूहे को मारने के चक्कर में देखो कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज बर्बाद हो गई। बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज फावड़े के मार की वजह से बर्बाद हुई नजर आती है। तभी उस खेत का मालिक वहाँ पर आता है। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी सारी स्ट्रॉबेरीज बर्बाद कर दी है। अब तुम्हें कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, समझे? तुमने मेरा नुकसान किया है, उसकी भरपाई तुम्हें चुकानी होगी। मालिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चूहा मजदूर का उदास चेहरा देखकर उस पर हंसने लगता है। अब तू गया काम से। रुक रुक, भागता कहाँ है? रुक रुक, अब कहाँ छुप गए? बाहर आओ। मजदूर के पत्नी का ध्यान अपने पति की ओर जाता है। वो तुम्हारे सिर पर है। ये कैसी आवाज है? लगता है जमीन के अंदर कुछ गड़ा है। कहीं कोई खजाना तो नहीं है ना? दोनों खुश हो जाते हैं और जमीन खोदने लगते हैं। पूरी जमीन खोदने के बाद उसमें से एक घड़ा निकल आता है। इसमें कुछ तो होगा। अरे ये तो खाली घड़ा है। लगता है आज का दिन ही खराब है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक रुक। अब कहाँ जाओगे? इतने सारे चूहे, ये तो सारी स्ट्रॉबेरीज खा जाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि घड़े में तो एक ही चूहा गया था, फिर इतने सारे चूहे कैसे बाहर आए? कहीं ये घड़ा जादुई तो नहीं है? क्या जादुई घड़ा? हाँ चलो देखते क्या होता है। अरे ये तो कमाल हो गया, इस जादुई घड़े से तो अपनी जिंदगी बदल जाएगी। जादुई घड़ा लेकर दोनों खुशी खुशी अपने घर आते हैं। ये लो तुम्हारे नुकसान के पैसे, अब हमें तुम्हारे नौकरी की कोई जरूरत नहीं। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना होगा। उसी रात मालिक मजदूर के घर जाता है और छुपके से देखने लगता है। ये घड़ा अगर मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। ए, ये घड़ा मेरा है, मुझे पता है कि तुम्हें ये मेरे खेत में मिला है। घर जाके वो सारे हीरे और जवाहरात कई गुना बढ़ा लेता है। ऐसा इसमें क्या है? मुझे देखना चाहिए अंदर से। अरे ये तो अंदर से बिल्कुल मामूली घड़े जैसा है। मेरे इतने सारे हमशक्ल। मेरे इतने सारे हमशक्ल। ए, मैं असली हूँ और तुम नकली हो, समझे? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, ये घड़ा मेरा है। अरे मेरी नकल करना बंद करो भाई। मालिक को समझ आता है कि ये सब उसकी नकल कर रहे हैं। मालिक टोपी ऊपर उठाता है
सभी टोपी ऊपर उठाते हैं। वो घर से बाहर निकलता है। सभी हमशक्ल घर से बाहर निकलते हैं। वो घर का चक्कर लगाता है। हमशक्ल भी घर का चक्कर लगाते हैं। वो दरवाजे के पास आकर रुक जाता है। सभी हमशक्ल रुक जाते हैं। कैसे उल्लू बनाया? कैसे उल्लू बनाया? अरे लगता है ये मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मुझे घड़ा लेके भागना चाहिए। नहीं, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुफ्त में मिली कोई भी चीज ज्यादा देर नहीं टिकती। जादुई मछली। निसर्ग की सुंदरता से भरे एक तालाब के किनारे एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। वो मछुआरा बड़ा मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। मछुआरा रोज तालाब में जाकर मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा था, पर उसकी पत्नी खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी कुटिया में रहना पड़ेगा? मेरा दम घुटता है यहाँ। प्रिये, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ। अच्छा, तो मुझे इस बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो। कितनी बदबू आती है यहाँ। कितना भी साफ करने के बावजूद ये बदबू जाती ही नहीं। एक दिन ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए मछुआरा तालाब में गया था। उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था, पर सुबह से उसे एक भी मछली नहीं मिली। शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी अचानक उसके मछली पकड़ने वाली छड़ी को मछली का एहसास हुआ। वो रस्सी को जोर से खींचने लगा। तब उसे एक नन्ही सी खूबसूरत मछली उस कांटे में अटकी नजर आती है। मछुआरा हैरान रह जाता है। वो मछली काफी खूबसूरत और चमकीली होती है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत मछली है। क्या सोच रहे हो दोस्त, मैं इतनी भारी कैसे हूँ? यही ना। हाँ, ये क्या, तुमने भी बात की? हाँ, क्योंकि मैं एक आम मछली नहीं हूँ, इस वजह से मैं इतनी भारी और चमकीली हूँ, और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मछुआरा हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहता है। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझ में खाने जैसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो। मछुआरा अपनी खाली टोकरी लेकर घर की ओर दौड़ने लगा। उसे इस अद्भुत मछली के बारे में अपनी पत्नी को बताने की बड़ी उत्सुकता थी। ये क्या, आज तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गए? फिर हम आज खाएंगे क्या? नहीं, मैंने आज एक बहुत ही अद्भुत मछली पकड़ी थी। बोलने वाली मछली, एकदम इंसानों जैसे बोलने वाली मछली। क्या, बोलने वाली मछली? हाँ, उसने मुझे बताया कि वो एक जादुई राजकुमारी है। क्या, और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब? तुम्हें पता है ना, हम कितने गरीब है। हमारे पास एक बदबूदार कुटिया है। तुम उसकी जान के बदले जो चाहे मांग सकते थे। कम से कम तुम उससे एक बड़ा सा घर तो मांग लेते। प्रिय, हमें जो है उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मछुआरे के पास समुंदर की ओर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो फिर उसी जगह पर आता है, पर अब उस जगह का माहौल थोड़ा अलग है। पानी अब थोड़ा हरा हो चुका है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी पत्नी खुश नहीं है, वो बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम घर वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा हैरान होता है और अपने घर की ओर भागता है।
उसकी कुटिया एक शानदार बंगला बन चुकी थी। प्रिये, क्या अब तुम खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या, हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मछुआरे की पत्नी को ये बंगला भी छोटा लगने लगता है। गुड मॉर्निंग पति महाशय, मैं अब जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। मुझे अब एक महल चाहिए और मुझे वहाँ की रानी बनना है। तुम अभी के अभी उस जादुई मछली के पास जाओ और ये मांग बताओ। क्या, अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा ये घर काफी बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो। तुम अभी जाओ और मांग पूरी करके ही वापस आना। पति को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो समंदर की ओर चल पड़ता है। समंदर किनारे आज हवाएं तेज और पानी का रंग थोड़ा लाल हो चुका था। उसे अजीब सा लगने लगता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और उसे रानी बनना है। ठीक है, वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा वहाँ से निकलता है और अपने घर पहुँचता है। पहुँचते ही वो देखता है कि उस बंगले की जगह अब बड़ा महल बन चुका था। महल के दरवाजे काफी बड़े थे और सब जगह नौकर इधर उधर अपने काम में लगे थे। वो अंदर जाकर देखता है तो एक बड़े सिंहासन पर उसकी पत्नी बैठी नजर आती है। उसके सिर पर एक रानी जैसा ताज भी था। तुम अब एक रानी हो, बढ़िया है। हाँ, मैं एक रानी हूँ। क्या अब तुम खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है, मुझे एक सम्राज्ञी बनना है। क्या, मैं जानता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन ये असंभव है। वो मछली तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बना सकती। तुम्हें उस मछली के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम अभी उस मछली के पास जाओ और मुझे सम्राज्ञी बनाओ। बेचारे मछुआरे की अपनी पत्नी के सामने एक नहीं चली। वो फिर से समुंदर की ओर चल पड़ता है। समुंदर का रंग अब भूरा हो चुका है। मछुआरा उसका अर्थ लगाने की कोशिश करता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? अब वो सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो अब बन चुकी है। जैसे ही वो महल की ओर पहुंचा, उसने देखा कि घर के सभी दरवाजे बड़े और सोने के हो चुके थे। अंदर उसकी पत्नी एक सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा राजदंड था। उसके बाजू में दो दासियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। प्रिये, तुम सच में अब सम्राज्ञी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ तो, मैंने तुम्हें बताया ना, वो मछली सब कुछ कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था, पर क्या आप तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। मछुआरा मन ही मन डर रहा था कि पत्नी और किसी चीज की मांग ना कर बैठे। और उसकी पत्नी लगातार ये सोच रही थी कि किस बात से उसे और खुशी मिलेगी। इस दौरान कई दिन निकल जाते हैं, पर हर रात उसकी पत्नी चांद और तारों की तरफ देखते सोचती रहती। एक रात वो सोचते सोचते थक जाती है और उसे नींद आने लगती है। क्या, सुबह भी हो गई? ये कैसे हो गया? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पत्नी गुस्से से मछुआरे को नींद से उठाती है। उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो, मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। क्या, ये कैसे संभव है? कृपया तुम ये बंद करो, मैं फिर से वहां जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं हम दोनों के जीवन की मालकिन बनूंगी। तुम अभी मछली के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिमान बनाओ। क्या, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या मांग रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे खुश देखना चाहता था।
पर उसे पता था कि जो हो रहा है वो गलत है। मछुआरा समुंदर की ओर निकलता है। समुंदर पर अब तूफान आ चुका था और पानी का रंग भी काला हो चुका था। हाँ, ये सब क्या है? जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे माफ करना, मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। वो क्या चाहती है? अब वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। वापस जाओ, वो ये पहले ही पा चुकी है। न जाने अब मेरी पत्नी ने क्या किया होगा। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचता है, उसे कोई नजर नहीं आता। पूरा महल खाली रहता है। ये क्या? प्रिये, तुम कहाँ हो? प्रिये, कहाँ चली गई है? सब जगह ढूंढने के बाद वो भागकर समुंदर की ओर जाता है। वो देखता है कि पानी अब शांत और पहले जैसा नीला हो चुका है। वो फिर एक बार जादू की मछली को आवाज लगाता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम बता सकती हो कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मैंने उसे सर्वशक्तिमान बनाया है। अब वो अदृश्य है और सर्वशक्तिमान को कोई नहीं देख सकता। नहीं, ऐसे मत करो। मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। माफ करना दोस्त, मैं वरदान पलट नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरे पत्नी की सारी मांगे पूरी की, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। कृपया मुझे मेरा वरदान दो। तुम सही हो। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा खुश रहे। ठीक है, वापस जाओ मित्र। अब उसके पास वो सब कुछ है जिससे तुम दोनों खुश रहोगे। मछुआरा घर वापस आते ही हैरान हो जाता है। उसे अपनी पहले वाली कुटिया दिखाई देती है। दरवाजे पर उसकी पत्नी हंसते हंसते उसका इंतजार कर रही थी। पति को देखते ही वो उसकी ओर जाती है और उसे गले लगाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मेरी खुशी के लिए बहुत तकलीफ दी। मगर अब मैं ये जान चुकी हूँ, सिर्फ धन और दौलत हमें कभी खुशी नहीं दे सकते। खुशी तो हमारे मानने पर ही निर्भर है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। उस दिन के बाद मछुआरे की पत्नी ने उससे किसी बात की मांग नहीं की। मछुआरे को अब अपनी कुटिया में किसी बात की कमी नहीं थी। वो अपनी छोटी सी कुटिया में ही प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी से हमें जो कुछ मिलता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। लालच से केवल पछतावा होता है।